देखिए जब जागो तब सवेरा, 25 साल के बाद मेरे और गोविंदा के बीच इस जोड़ी की जो है जब तकदीर लिखी हुई है तब आएगी। और 25 साल के बाद जो है पहले 3 फिल्में हमारी बहुत ही हिट थी और हमेशा अलग अलग किरदार जो है गोविंदा ने मेरी फिल्म में निभाया है और इस फिल्म में भी और तीनों फिल्मों में मेरी लड़कियां जो है हीरोइंस जो है सब नई थी। और गोविंदा जब भी नई लड़की के साथ मेरी फिल्म में आता है तो हमेशा धमाल और कमाल कर देता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहलाज जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। सो आई रिमेंबर मैं जब इनसे पहली बार मिलने गई थी, ही इज़ एक्चुअली दैट वन पर्सन जिनसे मैंने स्क्रिप्ट नहीं मांगी। आई मेट हिम एंड ही सेड मैं ये फिल्म बना रहा हूँ एंड देयर इज़ गोविंदा सर, एंड ऑब्वियसली गोविंदा सर मुझे बता चुके थे फिल्म के बारे में। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी, ना ही मैंने मांगी, एंड देट वॉज लाइक ऑल फेथ एंड ऑल ट्रस्ट। एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं, आई जेन्युइनली होप इट वर्क्स। इसलिए जो है फेथ रखो, अब जो है अच्छी बनेगी और अच्छी रिलीज होगी। सो डोंट वरी, ना सुनो तो बहुत अच्छा है, सुनो तो कहीं भी जो ना कहीं मिसगाइड हो जाता है। आई नो मैं गोविंदा सर की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई मीन फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट फिल्म ऑल्सो जब मुझे पता चला कि सर गोविंदा सर, आई वाज एक्चुअली लाइक ट्राइंग टू प्ले कूल एंड ऑल कि ठीक है इट्स ऑल कूल, बट आई वाज जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड। आई इस फिल्म का बेस्ट पार्ट इज कि माय लुक एंड माय रोल बहुत डिफरेंट है। पहलाज जी ने एक सर्टन वे में कंसीव किया था, उन्होंने मुझे लुक के रेफरेंसेस दिखाए एंड ही वाज वेरी पर्टिकुलर। ही इज़ लाइक मैं चाहता हूँ ऐसा ही हो। इनफैक्ट शूट करते समय कॉस्ट्यूम्स लाइक बहुत बेसिक चीज़ है, बट पहलाज जी वुड बी लाइक यू नो वो दो लिटिल लिटिल थिंग्स, ही बी लाइक कि नहीं नहीं ये ऐसे से ऐसा होना चाहिए। सो आई वाज लाइक ओके ये ऐसे से ऐसा ही होगा। सो दैट्स ही इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आई हैव मेट एंड वर्कड विद। क्योंकि सेट पे जब सब टायर्ड हो कैसे बोलते हैं ओह कितना लॉन्ग डे था एंड वी ऑल गो बैक चिल, ये स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते थे, सबके साथ बैठ के सिटिंग कर रहे होते थे पूरा दिन, ये सेट पे लिटरली खड़े होते थे, उनका पैर भी स्वोलन था। आई वाज लाइक हाउ यू नो, बट आई थिंक देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम एंड ईच फिल्म आई फील आई गेट बेटर। ये इवनिंग भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड पहलाज जी आई मीन द न्यू कमर को एक बड़ा नाम नहीं मिलता एंड आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मुझे दो बड़े नाम मिल गए हैं, मिस्टर पहलाज निहलानी एंड गोविंदा जी। एंड गोविंदा जी तो लाइक वैसे भी लेजेंड है, इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया मुझे। ही इज़ सो सिंपल एंड हम्बल पर्सन, और जब भी हम लोग साथ में सेट पे होते थे तो ही यूज़ टू बी लाइक सो कोऑपरेटिव कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एंड प्लस पहलाज सर ही यूज़ टू गाइड अस कि ओके ऐसा करो वैसा करो यू नो, तो इट वॉज फन मोमेंट ऑल्सो एंड इट वॉज वेरी फैमिली एनवायरमेंट आई कैन से ऑन द सेट। आई डेंट फील आई एम आउट ऑफ माई फैमिली, आई डेंट फील आई एम आउट ऑफ माई प्लेस यू नो, इट वॉज वेरी गुड एंड इट इज़ एक्साइटिंग बिकॉज दिस इज माई डेब्यू फिल्म। सो ऑल द गुड लक टू मी, ऑल द गुड लक टू आर स्टार कास्ट एंड आर टीम। फर्स्टली आई वुड लाइक टू से अ बिग थैंक्स फॉर सर बिकॉज यस सर के साथ और गोविंदा सर के साथ काम करना किसी के लिए भी ड्रीम कम ट्रू होगा। तो वट एवर आप इस मूवी में मुझे देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम, सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। रूप जब फिल्म जब जब बनती है तब नहीं होती है, किसी रूप में जो है फिल्में जो है पुरानी थी वही चलती थी, जो नहीं आई है उसकी बत्ती गुल हो जाती है। तो हमेशा जो है ना जो स्क्रिप्ट होती है जो डिमांड होती है स्क्रिप्ट की उसी हिसाब से होती है। ये नहीं है कि डबल रोल उस ज़माने में आता था, डबल रोल की अभी जुड़वा आई तो आपको वो क्या नया लगा आपको उसमें, या नहीं नहीं आप अब अर्जुन कपूर की एक फिल्म आई उसमें क्या नया था, वो भी फिर 90 में गिना जाएगा। क्योंकि 90 से लेके मैंने गोविंदा के 86 से लेके गोविंदा के साथ मैंने जो दिखाया उसमें, जिसमें गोविंदा उस ज़माने में भी उतनी एनर्जी थी और मेरा दिखाने का मकसद वही था कि 86 से लेके आज तक 33 साल हम लोगों के रिलेशन में हुआ है वो एनर्जी, आई एम स्ट्रीट डांसर हो या अउआ हो या लाल दुपट्टे वाली हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी रंगीला राजा में जो आप टाइटल ट्रैक आज देख रहे हो आप, उसमें एनर्जी उनसे ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा स्टेप अलग है। तो मुझे लगता है कि वर्सेटाइल जो आज के डेट में जो एक्टर्स जो है ना ये डांस करते दिखाई देते हैं आपको, बहुत सारे डांसर है जो सो कॉल्ड डांसर जो पहले नहीं थे लेकिन आज करते करते बन गए, लेकिन गोविंदा तो वर्सेटाइल है और उन्होंने मतलब जो है जो डांस है जो भी इसको स्टेप दे दो इन वन सेकेंड ही इज़ रेडी विद द फॉर शॉट। तो गोविंदा ने ये जो टाइटल ट्रैक जो है रंगीला राजा का किया, जो आप विटनेस हो देखते हुए, तो आप देखिए और जनता आज का यूथ
जो 90 के गोविंदा आज गाने रेट्रो सॉन्ग जो है आप 92.7 में देखते हैं जिसके साथ मैं पार्टनर हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ वही गाने बजते हैं, आरडी बर्मन के वही सुनते हैं। आज के यूथ को भी पुराने गाने ही पसंद है, ओल्ड इज़ गोल्ड जब बोला जाता है, तो ओल्ड और गोल्ड में जो है गोविंदा पैदा ही उस ज़माने में हुआ था, तो आज तक स्टील जो है बन के काम कर रहा है, तो ये नई नई लड़कियों के साथ काम कर रहा है वो एकदम फिट हो रही हैं। आई थिंक इनका नसीब और मेरे नसीब जो गोविंदा के साथ जुड़ा हुआ है हमेशा नई लड़कियों के लिए वो वरदान बन के आता है, तो मुझे लगता है ये वरदान जो है फिर से एक बार ये होगा। तकलीफ वो बदन में कोई तकलीफ हो तो दवा खाओ तो निकल जाती है तो गोविंदा ने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली है, जो प्रोड्यूसरों को तकलीफ देता था उस दवाइयों को जो है उसने ख़त्म कर दिया ताकि प्रोड्यूसर को कंप्लेंट ही ना हो, वो तो चुस्त फुर्त और मतलब टाइम पे आने वाला, क्योंकि वो कर्म अपना कौन था कुंभकर्ण जो कुंभकर्ण का चोला उतार के फेंक दिया रंगीला राजा का पहना है उसने। देखिए मी टू जो है मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर आप कब्र खोदना शुरू करोगे तो आपको हर आदमी रंगीन नज़र आएगा जो रंगीला राजा हमारा इसमें है। मी टू में नहीं फंसा लेकिन कहीं ना कहीं फंस गया हमारा, ये भी मी इसमें भी मी टू है लेकिन उसके कहीं ना कहीं फंस गया, लेकिन नहीं फंसा कहीं और फंसा परिवार में फंस गया वो, तो मी टू हर आदमी रिलेटिव है और ये फिल्म की जो है हर किसी की बायोपिक हर आदमी आइडेंटिफाई करेगा और हर परिवार हर बीवी हर बहन हर भाई को लगेगा कि मेरा पति मेरा भाई मेरी बहन मेरे साथ तो वफादार है लेकिन जो फिर भी कर्म कर रहा है अपने ऐश के लिए अपनी ज़रूरत के लिए वो शायद जो ना हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने से क्या मुसीबतें आती है या आएगी वो उसके लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज फिल्म फॉर मी टू। देखिए मेरे जो ना मैं परिवार में काम करता हूँ, मेरा टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर्स हो मेरे परिवार है, मेरा पहला परिवार है मेरी वाइफ नीता निहलानी, चिराग निहलानी, विक्की निहलानी, और ये दूसरा पैरल जो है मेरा परिवार है चिरागदीप इंटरनेशनल यूनिट। जब फिल्म चलती है तो स्पॉट बॉय भी बोलता है मेरी फिल्म चली, नहीं चलती है तो वो बोलता है अरे क्या बहुत मनमानी कर रहे थे इसलिए नहीं चली, तो हर आदमी क्रिटिसाइज करना पड़ता है, लेकिन मेरी ये परिवार है जो एक्टर मेरे साथ जो है 40 साल, मैंने 1979 में पहली फिल्म बनाई थी, आज भी वो कलाकार मेरी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, जो स्पॉट बॉय उस फिल्म में था वो भी आज इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो मैं भेदभाव नहीं रखता हूँ, अपने परिवार के साथ पारिवारिक पर्सन हूँ, परिवार को लेके साथ चलता हूँ। और आपने देखा है कि आप ये फिल्म देख रहे हो, अभी आप ट्रेलर देख रहे हो, आपको आज के और कल के नौजवानों और कल के बुड्ढे टेक्नीशियनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? सर आपको आप अपना जो है प्यार योगदान और अपने 90s को भूल के गोविंदा को 2018 का हीरो बनाइए। देखिए 14 साल पहले राज किया था और आपने बनवास दे दिया, उसको लोगों ने बनवास दिया, अब मुझे लगता है राम जो है अपनी गद्दी पे वापस आ गया और सीता जो है भले बनवास हो जाए सती हो गई लेकिन फिर भी राम राम ही रहा, आज तक युग युग तक राम को लोग भूले नहीं। जय श्री राम। To know more interesting stories of Bollywood, subscribe Page 3 Reporter.